हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे सिंह फैमिली किचन में। आज हम बनाएंगे टमाटर और लहसुन से चटनी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। चटनी बनाने के लिए देखिए कढ़ाई में हम डाल लेते हैं तेल। देखिए तेल हमारा भी गर्म हो चुका है, उसमें हम डाल देंगे लहसुन। लहसुन को हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। देखिए लहसुन हमारा अच्छी तरह से भून चुका है, अभी इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए टमाटर को मैंने आधे आधे पीस में काट लिया है, अभी इनको मैं कढ़ाई में डाल दूंगी। अभी इन टमाटरों को हम सॉफ्ट होने तक पका लेते हैं। जब तक हमारा टमाटर पक रहा है तब तक हम इस लहसुन को छील लेते हैं। मैंने लहसुन को छील लिया है। भुना हुआ लहसुन बहुत ही आसानी से छिल जाता है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। हम एक मिक्सी का जार ले लेते हैं, इसमें डाल देते हैं लहसुन, इसमें डाल देते हैं भीगी हुई लाल मिर्च और डाल देते हैं जीरा, इसे पीस लेंगे। इसमें हम थोड़ा पानी डालकर पीस लेंगे। देखिए मैंने पेस्ट को अच्छी तरह से पीस लिया है, अभी हम टमाटर चेक कर लेते हैं। देखिए हमारे टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं, अभी इनका हम छिलका निकाल लेते हैं। अभी इन टमाटरों को हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। टमाटर को मैंने मैश कर लिया है, अभी इस लहसुन के पेस्ट को हम इसमें डाल देंगे। अभी इसको हम मिक्स कर लेंगे, स्वाद अनुसार डाल देंगे नमक और इसको थोड़ी देर तक ढककर पका लेंगे। देखिए चटनी ने अच्छी तरह तेल छोड़ दिया है, अच्छी तरह से पक चुकी है। चटनी बनकर तैयार है। आप इसे रोटी पराठा और पूड़ी चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।